बैठक भी बुलाई है। बैठक शुरू होने से पहले हमारे संवाददाता आलोक प्रियदर्शी ने एपीसी के चेयरमैन नरेंद्र कुमार गोयनका से एक्सक्लूसिव बातचीत की, सुनते हैं। अभी जो तत्काल जो मीटिंग होने वाली है शाम को, उसको इस मीटिंग का क्या एजेंडा है, क्या आप लोग मांग करेंगे सरकार से इस बैठक में? हम लोग यही सरकार से प्रार्थना करेंगे कि इसका कुछ नियमित किया जाए, रॉ मटेरियल का निर्यात नियमित किया जाए, क्योंकि आज एक किलो यान अगर एक्सपोर्ट होता है, निर्यात होता है, उसकी जगह पे अगर कपड़ा उसका रेडीमेड गारमेंट उससे निर्यात किया जाए, उससे 5 गुना रोजगार मिलता है, 5 गुना फॉरेन एक्सचेंज आता है कंट्री में। तो हमें ये देखना है कि हम रॉ मटेरियल को प्रोत्साहन दें या फिनिश प्रोडक्ट को प्रोत्साहन दें। कई सारे कंट्री जहां से रेडीमेड मैन्युफैक्चरर्स और खास तौर से टक्कर देखने को मिल रही, तो किस क्या हालात हैं, क्या वजह है कि आप लोग जो एक तरह से है कॉम्पिटिशन में ग्लोबल मार्केट में प्राइसिंग को लेकर पिछड़ते जा रहे हैं, उसमें एक मेन फैक्टर है? वहाँ भी कीमतें बढ़ी हैं, पर अभी हिंदुस्तान में और दूसरे रीज़न हैं जो इससे हम थोड़े से पिछड़े हुए हैं, बिकॉज कई बाकी हमारे कंपटीशन कंट्रीज़ में उनको टैरिफ का बहुत बड़ा एडवांटेज है, 10% का टैरिफ का एडवांटेज है। वहाँ पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, वहाँ पे वेजेस कम होने से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उनकी बहुत, हमारा देश लगभग विकसित देश होता जा रहा है, तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी थोड़ी ज़्यादा है, बट वी हैव, हमारे यहाँ पे एडवांटेज इतना, रॉ मटेरियल का एडवांटेज इतना है, तो उस रॉ मटेरियल को एडवांटेज को हमको घर में रखना है। इसीलिए हम रिक्वेस्ट यही है कि रॉ मटेरियल के निर्यात को जरा कंट्रोल किया जाए। ऑल राइट, तो मीटिंग से पहले की बातचीत है क्लियरली। मीटिंग आज शाम को 5 से 7 के बीच में है और काफ़ी स्टेक होल्डर्स कंट्री के सब इलाकों से यहाँ पर दिल्ली आज ट्रैवल भी किए हैं। बैठक की पूरी डिटेल्स लेके आलोक प्रियदर्शी भी हमारे साथ जुड़े हैं, साथ ही कॉटन इंडस्ट्री से SVP ग्लोबल वेंचर्स के CEO रिटायर्ड मेजर जनरल OP गुलिया भी हमारे साथ हैं। आलोक, पहले आप